कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। जर्मनी से भारत पहुंचने पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने के कुछ ही देर बाद एसआईटी ने प्रज्वल को गिरफ्तार किया। अब से कुछ देर बाद प्रज्वल को पुलिस मेडिकल के लिए लेकर जाएगी। आज ही प्रज्वल को मजिस्ट्रियल कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है, जहां पुलिस उसकी कस्टडी की मांग करेगी। कन्याकुमारी में भगवती अम्मन की पूजा के बाद 45 घंटे के लिए ध्यान में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद स्मारक के ध्यान मंडपम में 1 जून तक रहेंगे। पीएम मोदी का ध्यान 1 जून तक चलेगा। अपने प्रस्थान से पहले पीएम मोदी यहां संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर जाकर उन्होंने माल्यार्पण कर प्रधानमंत्री का ध्यान शुरू होने के साथ विपक्ष के हमले भी तेज हो गए। इंडिया गठबंधन पीएम के ध्यान करने पर उनका मजाक उड़ा रहा है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। पीएम ने 4 जून के बाद देश में बड़ा सियासी भूचाल आने का किया दावा। अघोरियों की मदद से कर्नाटक सरकार गिराने की साजिश। डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले, मेरे और सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ किया जा रहा है शत्रु भैरवी यज्ञ। जम्मू कश्मीर के अखनूर में खाई में गिरी श्रद्धालुओं से भरी बस। मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। 5 बच्चों समेत 22 श्रद्धालुओं की हुई मौत। 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पीने के पानी की किल्लत। आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का सुबह 11 बजे विरोध प्रदर्शन। आपने हरियाणा पर कम पानी छोड़ने का लगाया आरोप। हरियाणा के गुरुग्राम में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री की 3 मंजिलें तेज लपटों में जलकर हुई राख। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से हाहाकार। बिहार के औरंगाबाद में 12 लोगों की मौत। कौशाम्बी में गर्मी से 6 लोगों ने तोड़ा दम। अधिकतर जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। बिहार में गर्मी ने तोड़ा पिछले 54 साल का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे के अंदर 59 लोगों की मौत। लू और हिट स्ट्रोक की वजह से मौत होने की आशंका। पुणे एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल, पुलिस की गिरफ्तारी तय। पुणे क्राइम ब्रांच शिवानी अग्रवाल की तलाश में कई जगह छापा मार रही है। पुणे केस के बाद नागपुर और अमरावती में जागी पुलिस। हिट एंड रन केस में करीब 1 महीने बाद आरोपी की गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल में 25 से ज्यादा बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एमएचए ने दी सुरक्षा संदेश। खाली 24 परगना मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर के नेताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिली एक्स कैटेगरी की सीआईएसएफ सुरक्षा। राजस्थान के जोधपुर में मोटरसाइकिल सवार युवक ने सड़क किनारे खड़ी लड़की की चेन लूटी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड लूट की पूरी घटना। गाजियाबाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। 2 गाड़ियां आपस में जा टकराई। 1 गाड़ी पुल से नीचे गिरी। 7 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंबई लोकल ट्रेन की रफ्तार पर 63 घंटे का ब्रेक। मुंबई नेटवर्क पर प्लेटफॉर्म विस्तार के काम की वजह से 63 घंटे का मेगा ब्लॉक संचालित। राजकोट अग्निकांड में अब आरएमसी के अधिकारियों से जांच का सिलसिला तेज। 4 अधिकारियों पर मामला दर्ज होने के बाद एसीबी अब जांच में जुटी। पुंछ में एलओसी के पास जंगल में आग लगने के बाद खदानों में विस्फोट। आग ने जम्मू के जंगलों को अपनी चपेट में लिया। बढ़ते तापमान के बीच बिहार के बाढ़ में ट्रांसफार्मर को पानी डालकर ठंडा किया गया। जगह जगह आग लगने की खबरों के बीच किया जा रहा है पानी का छिड़काव। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। राफा में एक क्लिनिक में बनाए हमास के ट्रैप में आकर 3 इजरायली सैनिकों की मौत। हमास यूएनआरडब्ल्यूए के स्कूल से फायर की गई एंटी टैंक मिसाइल। पाकिस्तान के कराची में बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े फायरिंग कर 2 कारोबारी भाइयों की हत्या कर दी। पुलिस ने आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई। चुनाव से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को हशमनी केस के सभी 34 मामलों में दोषी करार दिया।